संतोषा नाम कारी एक औरत ने एक खवातीन छतरना का पुलिस स्टेशन पे तलब किया था और उनकी बेटी चार महीनों की है, वो लापता हो गई, बल्कि हमारे पास FIR दर्ज करना था। वो केस में हम लोग FIR दर्ज करवा के मजे तहकीकात कर रहे थे। वो तहकीकात में हमारे को मालूम हुआ कि बालाकोटी नामकारी जो शौहर लक्ष्मण का दोस्त था, उन और राजू बोल के पूरे लोग मिलके ये लड़की को दूसरी जगह भेज दिए, बल्कि हमको इन्फॉर्मेशन आया था। हमारे SI साहब ने केस में तहकीकात करते हुए और अपने ऑल डाटा टेक्नोलॉजी और CCTV का टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए उस लड़की को जो गुम हो गई थी, वो लड़की को बरामद किया गया है। और उसके साथ 25 तारीख के दिन वो लड़की को अपने माँ के हवाले किया था। और उसके बाद जो इस लड़की गुमशा होने के लिए जो जिम्मेदार शख्स थे, वो लोगों को आज 27 तारीख के दिन सुबह अपने चतना का पुलिस स्टेशन लिमिट्स में वो लोग फिर और एक लड़के के लिए तलाश कर रहे थे, प्लान कर रहे थे, वहाँ पे वो लोगों को अरेस्ट किया गया है। इसमें मेन जो आदमी है, जो अहम रोल निभाया है इसमें, गंगाधर रेड्डी नामकारी, इसने इसका पूरा काम यही है। जहाँ भी ये लोग तलाश करता रहता, जो भी बच्चे हैं, छोटे बच्चों को एडॉप्शन के तौर पर लेके जाना, फिर उन लोगों को माँ बाप को भेजते रहना और वहाँ से ज़्यादा रकम इसको हवाले करते रहना। जो लड़की के माँ बाप है जो बीच में है, वो लोगों को जो नॉमिनल अमाउंट 25,000 देता रहता और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लाखों का कमाई इसने ऐसा हासिल कर रखा है इसकी तरफ से। आज इसको हम हिरासत में लिया, आज शाम तक इसको कोर्ट में अदालत में पेश किया जाए। ये गंगाधर रेड्डी के खिलाफ पुराने भी केसेस है, इसके खिलाफ हम मीडिया रखने के लागू करने के लिए कोशिश किया करेंगे। सर, ये लोग कहाँ से ट्रस्ट करें? वो सर पुराने साई बाबा नगर जो चचना का पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में है, साई बाबा नगर, वहाँ पे लोग प्लान कर रहे थे दूसरा भी करेंगे, वहाँ पे हम इन लोगों को हिरासत में लिया। उसके साथ ही हमको अरेस्ट किया था। गंगाधर रेड्डी इसमें अहम शख्स है और उसका दोस्त बालाकोटी जो कमीशन एजेंट के लिए काम करता रहा, जो माँ बाप के पास बच्चे को लेना और गंगाधर रेड्डी को भेजना, उसका से जो बच्चे खरीदना चाहे उसके पास जाके वो बाप के हैसियत से अपना नाम साबित करता रहता, लक्ष्मण नाम का गया। सर, कितने लक्ष्मण जो है उनके माँ बाप से पैसे मांगते लक्ष्मण? मादनापेट केसेस में रिकवरी हुआ, मादनापेट का और गांधीनगर केसेस में रिकवरी हुआ इसके पास।